Hey guys, welcome back my YouTube channel Lovely Garden. कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे. आज हम बात करने वाले हैं समर के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्लावर प्लांट जीनिया के बारे में. जीनिया के बारे में इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो गाइस जीनिया समर का बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है. अगर आप कोई फ्लावर प्लांट समर के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए. जीनिया बहुत ही अलग अलग रंग में आता है और इसके डबल सिंगल पेटल होते हैं और ये वाला मेरा डबल पेटल है. जीनिया सीड से ग्रो होता है और इसकी सीडलिंग करने के बाद ये डेढ़ महीने में फूल के लिए, डेढ़ से दो महीने में फूल के लिए तैयार हो जाता है. इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. इसे मैंने गमले में दो से तीन दिन पहले लगाया है और प्रॉपर पानी देने की वजह से थोड़ी सी नमी बनी हुई है, जो कि इस प्लांट के लिए ज़रूरी भी है और ठीक भी है. इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. आप इसे जब भी गमले में लगाएं तो आधा हिस्सा गार्डन सॉइल और आधे हिस्से में कंपोस्ट, कोकोपीट और रेत रखें और उसका मिक्सचर बनाकर इसको लगा दें. बॉटम होल बहुत ही अच्छे से उस पर ठीकरी लगा दें या फिर सूखे पत्ते या फिर पतली डंठल से उसको कवर करें ताकि पानी बहुत ही अच्छे से निकल जाए, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. साथ ही साथ गाइस इससे समर की दो से तीन घंटे की धूप मिल जाएगी सुबह शाम की, तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाता है, खूब अच्छे से सरवाइव करता है. और समर की धूप से हम सभी वाकिफ हैं कि बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, तो अगर आप बहुत गर्म इलाकों से बिलोंग करते हैं तो आप इसे ग्रीन नेट में रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा. साथ ही साथ गाइस इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए जब ये वाला फूल मेरा सूख जाए या फिर आपका भी फूल ये वाला ऊपर वाला सूख जाए मुरझा कर, तो यहाँ से कट कर दें. तो कट करने के बाद ये जो बाकी ब्रांच होंगी ये खूब अच्छे से डेवलप करेंगी और जो ये सब कलियां लगी हैं ये अच्छे से इनको ग्रो होने के लिए टाइम मिल जाएगा. जो यहाँ तक एनर्जी फालतू जाती रहेगी वो बच जाएगी. साथ ही साथ अगर आपको इसकी सीडलिंग चाहिए तो आप इस फूल को रिमूव न करके इसी प्लांट में छोड़ दें सूखने के लिए. ये पूरी तरीके से इसी प्लांट में लगकर सूख जाए तो आप इसके सीड को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट सीजन के लिए अच्छा होगा, जिसकी कि आप सीडलिंग कर सकते हैं. एंड गाइस इस के लिए गमले में जब आप तैयार करते हैं तो इसको कंपोस्ट देते ही हैं, बाद में उसको एक महीने पर या फिर पंद्रह दिन पर एक एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप दे सकते हैं, तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा. और एंड गाइस जब भी आपके ये फूल अच्छे तरीके से सूख जाएं तभी आप इसे रिमूव करें, तभी उसके अंदर बनने वाले सीड मैच्योर होते हैं और उसे सीडलिंग के दौरान उसमें प्लांट उगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. अगर आप इसे ये आधा सूखा है आधा हरा है तभी आप इसे हटा लेते हैं तो ये प्लांट तो इसकी सीडलिंग अच्छी नहीं होती है, सीड इसके अच्छे नहीं होते और जो कि सीडलिंग के दौरान ख़राब हो जाते हैं. एंड गाइस इसके पौधे भी आते हैं, कुछ बड़े कद के और कुछ छोटे कद के. जो छोटे कद के होते हैं उनमें नीचे से बहुत सारी ब्रांच निकलती है और छोटे कद में ही वो बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाते हैं. ये मेरा बड़ा वाला है और इसकी ज़्यादा इसे धूप में रख देने से इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं हाफ हाफ, तो इसे ज़्यादा धूप में आप न रखें, क्योंकि इसे दिन की दो से तीन घंटे की धूप ही ज़रूरी होती है. जब कभी आपका पौधा आपको लगे कि ये मर रहा है मुरझा रहा है तो आप उसके जो पुराने फूल हैं उसको हटाकर जो जली हुई पत्तियां हैं रिमूव करके उसे सेडी एरिया में रख दीजिए और उसे अच्छे से उसकी केयर कीजिए, तो वो आपका पौधा जल्दी मरेगा नहीं और हो सकता है कि उस पर नई ब्रांच निकले और नई कलियां आए जो कि फ्यूचर में खिलें. तो ये समर का बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है. मुझे लगा कि जिस तरीके से हम लोग समर विंटर में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट समर में बहुत ही कम प्लांट ऐसे होते हैं जो पूरे समर फूल देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है. अगर आप समर के लिए कोई फ्लावरिंग प्लांट ढूंढ रहे हैं तो आप इसे लगा सकते हैं.
साथ ही साथ ये देखिए सदाबहार, और ये सारे के सारे फूल कितने ही ज़्यादा खिले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो होप करती हूँ गाइस आपको इस जीनिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो बाय, हैव अ नाइस डे।